तो YouTube गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यूज़ वीडियो। मैं हूं प्यारा दोस्त एंड होस्ट जोकर। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको वीडियो थोड़ा लेट मिला करेगी, समझ लो कि 10 बजे के आसपास मिला करेगी, क्योंकि गाइस कल से मेरे स्कूल खुल रहे हैं। तो गाइस मैं पहली न्यूज सिंगल क्या आ रही है पार्टी गेमर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पार्टी गेमर ने जस्टिस फॉर नेपाल पर रिएक्ट कराए, जिसके वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा हेट मिला है। आप उनके लास्ट दो लाइव स्ट्रीम्स के लाइक और डिसलाइक रेशो देख सकते हो। तो मैं आपको वह वाला पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ जिसके अंदर पार्टी गेमर ने रिएक्ट कराए। हेल्प नेपाल। अरे भैया सुधर जाओ, भाई सुधर जाओ, सुनील भाई सुधर जाओ। क्या चाहिए नेपाल को, सब तो मिल रखा है। तुम लोग भाई वायरस सा फैला रहे, पता पूरी कम्युनिटी में दो चार स्पैमर्स मिल गए। भाई जो टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं वही टूर्नामेंट तो नेपाल के नेपाल वाले भी खेल रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्लेटफॉर्म फ्रॉम नेपाल। अरे भाई भाई फालतू की चीजें स्पैम मत करो, मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है? देखो जो टूर्नामेंट इंडिया इधर होते हैं वही टूर्नामेंट नेपाल के लिए भी होते हैं, तो तुम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उसमें मैं क्या करूं भैया, मेरे पापा का थोड़ी ना करें ना। ये तुम्हारे लिए स्पेशल एक टूर्नामेंट निकाले, उसमें से तुम्हारी टीम क्वालिफाई करके वर्ल्ड सीरीज खेलने जाएगी। भाई ऐसा मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, ये सब मेरे को भी स्पैम कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें खेलना नहीं है, ठीक है? जो फालतू का स्पैम कर रहे हो, जिन लोगों को खेलना है वो तो बोल नहीं रहे, तुम फालतू की भुगला इंडिया कर रहे हो। भाई भाई इधर मत करे करो यार ये सब ड्रामा, ठीक है? एक महीने बाद लाइव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इज्जत से देखना है गेम, देखो नहीं देखना तो जाओ किसी और की स्ट्रीम पे। भाई मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बैठा। FFIC में नेपाल की टीम नहीं खेली थी, बोल दो नहीं खेली थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मेरी गलती है। भाई दिमाग दिमाग की कमी है क्या? भाई क्या खाते हो तुम लोग, खाना ही खाते हो ना हमारी तरह? खेलना है नहीं इन खुद्दू लोगों को, फालतू में स्पैम कर रहे हैं यहाँ पे। अबे जिन्हें खेलना है वो खेल रहे हैं, अपना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं। सर नहीं तुम्हें फिर भी वही है स्पैम दूसरों के चैनल्स पे जाके, आज ये हो गया कल वो होना है। तो भाई लोग अगली न्यूज पे बढ़ने से पहले मैं तीन तक काउंटिंग करता हूँ, तब आप मेरे चैनल जो सब्सक्राइब कर सब मिलकर एक साथ करना, 1 2 3 सब्सक्राइब, सभी लोग सब्सक्राइब करो। तो गाइस अगली न्यूज निकल के आई है टोंडे गेमिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि टोंडे गेमिंग ने जस्टिस फॉर नेपाल पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने गैना के एम्प्लॉय से बात करी है नेपाल के लिए। अगर गैना टोंडे भाई की बात नहीं सुनती है तो वो भी एशियन गेमिंग टैग की तरह ट्विटर पर हैशटैग चलाएंगे। और मैंने कल एशियन गेमिंग की टैग की न्यूज कही थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, आप टोंडे गेमिंग का वे पार्ट देख सकते हो। लोगों ने ये प्रॉब्लम को फ्री फायर के तक रखा है, बट क्या सीन चल रहा है अभी तक फ्री फायर के तरफ से हमको रिस्पॉन्ड नहीं आया है। और आप में से बहुत सारे बंदे ऐसा कंफ्यूजन में भी रहते होंगे लाइक ओके ये फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में है तो इसको तो हर चीज़ करना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए इसको। बट देखो रियलिटी क्या होता है गाइस, हम पार्टनर हैं बट हम गरीना को मैनेज नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना? गरीना हमसे रन नहीं होती है, मतलब हम जस्ट पार्टनर है, जस्ट मतलब इम्प्लॉय भी नहीं है हम लोग। अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है फ्री फायर में या कहीं भी कुछ भी, तो हम लोग अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो प्रॉब्लम को फ्री फायर के इम्प्लॉय तक वो प्रॉब्लम को पहुंचा सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है उसके बाद में प्रोसीजर, कि ये डिसीजन रहता है पूरा फ्री फायर का या फ्री फायर इम्प्लॉय का, वो फर्दर वो प्रॉब्लम को वो करे, एड्रेस करे, ठीक है? उसके बाद में एड्रेस होने के बाद में जो भी डिसीजन फ्री फायर की तरफ से दिया जाता है वो फ्री फायर का डिसीजन होता है, ठीक है? गरीना इतना बड़ी कंपनी है, क्या लगता है आपको मेरा 4 मिलियन सब्सक्राइबर है या 5 मिलियन सब्सक्राइबर है तो मेरी बात सुनेगी? ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बात तो सुनेगी डिसीजन, बट वो अपनी लेगी, समझ रहे हो? ऐसा तो यही चीज़ है, अभी मैंने प्रॉब्लम रखा है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए कि अगर देखो फ्री फायर से अभी मैंने बात कर लिया है, ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो तब आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो गाइस देखो मैं तो नहीं मानता कि पार्टनर प्रोग्राम वाले लोग कुछ कर नहीं सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं, बस ये आपको उल्लू बनाते हैं कैसे ब्राजील से गन के एट्रीब्यूट हट गए। और एक बात बता दूं मैं आपसे कि ज्ञान गेमिंग ने भी इसी वजह से पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया है। ये बात मैं आपको कल बताऊंगा कि ज्ञान गेमिंग ने पार्टनर प्रोग्राम क्यों छोड़ा था। मैं आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर टोंडे गेमिंग की तरफ से कोई भी लिंक आता है तो मैं आपको उस अपडेट सबसे पहले कर दूंगा। तो गाइस मैं अगली न्यूज सिंगल की आ रही है टोटल गेमिंग के अज्जू भाई के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अज्जू भाई ने अपना देश छोड़ दिया है। छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तो गाइस मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है कि अज्जू भाई ने देश छोड़ दिया है। तो आप इसे पढ़ लो, फ्री फायर लाइव फ्रॉम युगांडा न्यू इवेंट बॉक्स अज्जू भाई द हार्ट हैकर। तो क्या आपने नोटिस करा फ्री फायर लाइव फ्रॉम युगांडा, तो आप देख भी सकते हो कि युगांडा एक देश है। तो ऐसा लगता है कि अज्जू भाई बिजनेस के सिलसिले में गए होंगे युगांडा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि अज्जू भाई इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं। देखो गाइस कमेंट में कोई मत लिख देना कि अज्जू भाई ने मार्वल एवेंजर को ट्रेलर देख किसे लगाया होगा। तो गाइस मैं आपको फैन क्लास का कुछ शब्द बताता हूँ, उन्होंने चैनल में वीडियो पोस्ट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आपको नेपाल के लिए टूर्नामेंट चाहिए तो जो आप इस समय कर रहे हो करते हैं ना, ये 2-3 दिन के अंदर से बंद मत कर देना। तो चलो गाइस मैं चलता हूं, ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी कल की न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय बाय। प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब करो, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें 100 मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए बेस्ट न्यूज वीडियो बनाएं। गाइस अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट जरूर करा करो। बाय बाय।